विजय चंद्रचूड़ ने मांगी मोदी सरकार से मदद, बोले ऐसे तो जजों का जीना मुश्किल हो जाएगा। जानिए क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपनी टिप्पणियों और सख्त आदेशों के लिए जाने जाते हैं। अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ कभी कभी भावुक भी हो जाते हैं। रिटायर्ड जिला जजों की पेंशन में मिलने वाली रकम ने सीजेआई चंद्रचूड़ को भी चिंता में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीशों के हालात पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला अदालतों के जजों को रिटायरमेंट के बाद 19 से 20 हजार की पेंशन मिलती है, इतने में वही गुजारा कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस समस्या का समाधान खोजे, साथ ही देश के अटॉर्नी जनरल से भी कहा है कि वह भी इस मामले में मदद करने की कोशिश करें। क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारतीय न्यायपालिका में सुधार किया है। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 61-62 साल की उम्र में प्रैक्टिस नहीं कर सकते रिटायर्ड जज, जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसके साथ ही कहा यह उस तरह का ऑफिस है जहां आप पूरी तरह से अक्षम हो जाते हैं, आप अचानक प्रैक्टिस में नहीं आ सकते और 61-62 साल की उम्र में हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा हम इसका उचित समाधान चाहते हैं, आप जानते हैं कि जिला न्यायाधीश वास्तव में पीड़ित है। इससे पहले अदालत ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जजों के वेतन और सेवा शर्तों के बारे में निर्देश जारी किए थे। इसमें राज्यों को बकाया चुकाने और उच्च न्यायालयों को उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा गया था। सरकार से की मदद की अपील। इस मामले में सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी से अदालत ने अनुरोध किया कि रिटायर होने वाले अधिकारियों के लिए न्याय संगत समाधान लाने में मदद करें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर गौर करेंगे। चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट के जजों ने वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल जिला अदालतों से प्रमोशन के बाद इन जजों के नए जीपीएफ खाते नहीं दिए गए थे।